गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:15 दिन के और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। क्या हुआ ना कि मैंने बीटू डाला था ना कि ज्ञानवी के अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद उसे आराम था, कल पूरा दिन वो खेली और उसको शाम से ना फिर से फीवर आ गया, वो भी 101-102। तो मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था ना कि मैं मेडिसिन हमेशा रखती हूँ अपने पास और उसे जो गवर्नमेंट दवाई है, जो सरकारी हॉस्पिटल होती है बच्चों वाला, वहीं की दवाई से सूट करती है, तो वो वाली मेरे पास थी। तो मैंने अभी मैंने उसको शाम को दे दी थी, 6:30 बजे दी, फिर रात के 12 बजे दी, फिर सुबह 4 बजे फिर से दी और अभी दे दी थी मैंने 9 बजे फिर से 9:30 बजे। बस मैंने ना आज सुबह मॉर्निंग में जब नहाए थे तब बाल धुले थे और मैं बाल ऐसी टॉवल से सुखा के ऐसी लड़ गई थी, वो अजीब से बाल हो गए। और ज्ञानवी भी अभी सो रही है, उसी के साथ मैं सो गई थी दोबारा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी दिखाते हैं। और क्या हुआ कि जब सुबह उठे थे 4 बजे तभी ज्ञानवी उठ गई थी और फिर मैंने मतलब सारा काम वाम किया तो वो थोड़ी देर खेलती रही, तबीयत उसकी तब ठीक थी, दवा दे चुके थे हम और उस टाइम में नहा धो चुके थे। उसके बाद पानी ख़त्म हो गया था टंकी का और जब फिर बर्तन मेरे पड़े हैं धुलने को, मैंने सोचा था कि जब लाइट आ जाएगी पानी आ जाएगा तब हम धुल लेंगे। और अभी क्या हुआ है कि फिर उसके बाद 9:30 बजे के लगभग समझ चली तो थी, टंकी भी शायद फुल हो गई थी क्योंकि टंकी मेरी बार छत के ऊपर रखी है तो जैसे उसमें पानी पड़ता है ना तो आवाज़ आती है कि हाँ समझ चालू हो गई है। तो मैं उस टाइम पे उठी नहीं क्योंकि ज्ञान भी मेरे ऊपर पैर रखे सो रही थी, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैंने सो रही तो सो जाने दो। और अब क्या हुआ, अभी मैं जस्ट उठी, मैंने कहा बर्तन धुल लेती हूँ, देखा तो फिर से पानी नहीं है टंकी में और लाइट भी नहीं है। और क्या बताया, समझ में नहीं आता। एक यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और टंकी मात्र एक है, वो भी ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कितनी बड़ी, छोटी सी है, जितनी मेरे घर पे रखी है वो बस उतनी बड़ी है, जबकि यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली है, मतलब सारी फैमिली, बहुत सारी फैमिली रह रही है। तो गाइस अभी खाते हैं, ज्ञान भी सो रही है, गाइस लाइट है नहीं और ये देखिए ज्ञान भी सो गई है, अभी भी सो रही है मतलब। और ये इसकी एडिशन की इसको ना ये वाली दवा है जो पैरासीटामोल वाली, ये वाली, ये दवा बहुत जल्दी इसको सूट करती है। ये जो थर्मामीटर है मैं हमेशा पास में ही रखती हूँ अपने, इसको दवा दी थी मैंने। और मैंने, मेरे पास पर्दे नहीं है तो मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग में जब सोते तो इसको लगा देती हूँ, क्लिप कर देती हूँ, देखिए यहाँ से। तो अभी मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं उठ गई, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। और क्या हुआ, मेरा बच्चा अभी बुखार नहीं है, पसीना आ रहा है इसको। क्या हुआ, जब ये उठी तो 6:30 बजे ये बोली कि मम्मा पॉटी आई, तो फिर इसने पॉटी की और इसकी भी ना गंदी आदत हो गई है मेरी तरह जैसे, तो मैं भी फ्रेश होके आती हूँ तो तुरंत नहाती हूँ। ये बोली मुझे नहाना है मम्मा नहलाओ, और रोने लगी कस के, तो मैंने उसको नहलाया नहीं, गर्म पानी थोड़ा सा कर दिया था, उसके हाथ में धुल दिए थे। फिर ये बोली ये कपड़े छीए कपड़े उतारो इनको, छीए इसमें, तो इसके सारे कपड़े मैंने उतार के गर्म पानी से इसकी बॉडी पोंछ दी थी और उसके बाद ये यार सोई, मतलब शांत तो ही रोने से, और इसको मतलब इसका क्रीम पाउडर कर दिया था अच्छे से, तो और कपड़े भी चेंज कर दिए मुझे, बस मेरे ही कपड़े हैं खाली, लोअर बनियान वही सूखने के लिए डालने हैं। और कपड़े कल मैंने बहुत सारे धुल दिए थे, अब कल संडे है, कल धुलूँगी, और तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है इसलिए तो डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि 12:12 बज गए हैं, फिर कपड़े कब सूखेंगे गाइस। ये देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं डाल देती हूँ कपड़े। मैंने पहले ही बोला कि कपड़े हैं नहीं आज ज़्यादा,
ये कपड़े मैंने रात को डाले थे और ये देखिए मैंने अभी डाल दिए थे ये वाले, अच्छा लग रहा है आज धूप में, अच्छा लग रहा ना वैसे एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा मौसम जैसे मार्च में होता है ना धूप जो मार्च की निकलती है वैसे ही बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे ऐसा लग रहा है कि होली आ गई। तो गैस अभी ना लाइट आई नहीं है, मुझे ना भूख लग रही है, सिर्फ चाय पी ली थी मैंने और हम लोग लेट गए थे मतलब ज्ञानवी और मैं ये निकल गए थे क्योंकि वो इतनी सुबह सुबह कुछ खपता तो है नहीं ओनली चाय के अलावा, मैंने चाय पी ली थी बस, मुझे लग रही है भूख। हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है, वैसे मैं बाल्टी में भर के रखती हूँ, वो क्या था सुबह खर्च हो गया था बस इसी वजह से, और जब भर गई थी टंकी मैंने सोचा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, जब ख़त्म मैं भर लूँगी, जब आँख मेरी जैसी खुलेगी मैं पानी भर लूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ज्ञान भी मेरे ऊपर पैर रखी थी इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं नहीं उठी थी, बस मुझे आलस नहीं आता है उठने में। और अभी देखते हैं कब लाइट आती है, वैसे लाइट यहाँ जाती नहीं है आज बहुत टाइम हो गया। और एक चीज़ गैस और हो रही है, मेरा हाथ ना थोड़ा थोड़ा सा रेड दिख रहा होगा ये आपको, है ना, कि मैं मुट्ठी नहीं मुंद पा रही हूँ, मेरी उंगलियों में ना इतना दर्द हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा, ये कस के कर तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा, कि मैं मोबाइल लिए हूँ हाथ में तो मोबाइल लेने से भी बहुत दर्द हो रहा, क्यों हो गया। तो गाइस देखते हैं ज्ञान भी क्या कर रही है, अभी बहुत अंधेरा पड़ा है, वो उठ गई। मैंने ना विंडो खोल दी है, ये पीछे ना ये रस्सी है, ये कपड़े डले हैं मेरे वही वाले, तो इसलिए ना इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, ये जो रेड वाली रस्सी है ना ये वाले, ये देखिए ज्ञान भी उठ गई है, बच्चा मेरा उठ गया है, क्या हुआ बच्चा क्या हुआ, दूध चाहिए अभी लेके आ रही मम्मा दूध। गाइस लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है, तो मैं इसका दूध कर दिया ना, पता नहीं कब आएगी, आज बहुत टाइम लगा लिया। पिया क्या हुआ, पराठा खाओगे, हाँ पराठा बना नमक वाला खाओगे, नहीं 9 बजे दवा दी थी तुमको है ना, थोड़ी देर बाद कल ना पापा से कह देंगे तुम्हारे ना बाल कटवाते हैं, ठीक है छोटे छोटे करा देंगे अवश्य इसकी ना हाथ बहुत गर्म रख गए हैं, इसको ना नजर लगी है बहुत तेज वाली, नजरिया लगी है लला को, ऐसी एक्टिंग ही करते हो तुम, अच्छे अच्छे जिससे नहीं उससे अपने ही आप से नमस्ते बाय हाय कैसे हो सब करने लगते हो, तो नजर नहीं लगेगी क्या लगेगी बताओ, हैं एक्टिंग कर करके दिखाते हो सबको, नजरिया तो लगेगी ना बच्चा को, क्यों बच्चा। गैस मैं जा रही हूँ पराठा बनाने, आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, फ्राई तो अच्छी सी की है पर मुझे ना सिंपल वाली अरहर की दाल अच्छी लगती है, उसमें बस बना लो टमाटर डाल दो और हरी धनिया और नमक और हल्दी और उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, वो वाली अच्छी लगती है, पर इनको प्याज वाली अच्छी लगती है और टमाटर से तड़का वड़का मतलब अच्छे से लगाओ, तो मैंने वैसी बनाई थी तो मुझे वो पसंद नहीं आती है, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए पराठे बनाने, 2 पराठे बनाएंगे अजवाइन वाले नमक डाल के। तो गैस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा और फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, लाइट अभी आई नहीं है, तो मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दूंगी, मुझे मोबाइल में और भी काम है अभी, और तो
ज्ञान भी मेरी अभी अंधेरा है, तो तू पी रही है अभी, फिर मैं इनके साथ की पिए थोड़ी दवाई, ये भी मोबाइल थोड़ा देख लेगी, क्योंकि इसकी जो ABCD वाले मैंने लर्निंग वाले इसमें ऐप डाउनलोड किए हैं, तो वो अपने उसमें काउंट करती रहती है, एप्पल वगैरह वो सब करती रहती है, तो थोड़ी देर के लिए इसको दे देंगे तो इसका भी मन थोड़ा बहल जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को देखते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो है, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर ब्लॉग अच्छा लगता है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।